गाइज, एक चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा नोटिस किया कि लोग बैली फैट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बाहर जाते हैं तो लोग उनको टोंट मारते हैं, भाई तेरा पेट बड़ा हुआ है, ऐसे है वैसे है, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो यार, अगर आप लोग अपने बैली फैट को कम करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। देखो गाइज, दो तरह की बैली फैट होते हैं। एक होती है जिसे हम लोग थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के कम कर देते हैं, जैसे कि डाइट वर्कआउट करके, और दूसरी होती है जिद्दी बैली फैट जो कि हमारी जाएगी नहीं। चाहे वर्कआउट कर लो, डाइटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपकी जाएगी ही नहीं। तो गाइज, अगर आप लोग अपने बैली फैट को कम करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो कि एक्चुअल में आपके बैली फैट को 30 डेज के अंदर बहुत ही कम करने में और वेट लॉस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहला तरीका आप लोगों को अपने बैली फैट को कम करने के लिए ये फॉलो करना है कि आप लोगों को कैलोरी डेफिसिट डाइट या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट फॉलो करनी है। दूसरा तरीका आप लोगों को ये फॉलो करना है कि आप लोगों को कार्डियो ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस करनी है बैली फैट को लूज़ करने के लिए। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई वर्कआउट कैसे करना है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो कि एक्चुअल में और रियल में आपका बैली फैट लूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ना वर्कआउट सही तरीके से नहीं करते, तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको वर्कआउट शुरू करना है और किस तरीके से खत्म करना है और एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करनी है जो कि सच में आपको रिजल्ट देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तीसरा एंड लास्ट तरीका आप लोगों को ये फॉलो करना है कि आप लोगों को अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देनी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की आप लोगों को स्लीप लेनी है ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर कर पाए, और आप लोगों को अपनी बॉडी को ज़्यादातर हाइड्रेट रखना है और अपनी डाइट के अंदर आप लोगों को लो कार्ब्स फूड ऐड करने हैं, जैसे कि आपकी सैलड हो जाएगी, फ्रूट्स आ जाएंगे, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है। हरी सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाएं तो आपका बैली फैट बहुत ही जल्दी लूज होगा। गाइस, वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहले कार्डियो का वर्कआउट करना है। या तो आप लोग रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज जो कि कार्डियो के अंदर आती है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी बैली फैट को लूज़ करने में और आपकी बॉडी को वार्म अप करने में। दूसरा तरीका आप लोगों को ये फॉलो करना है कि आप लोगों को वेट ट्रेनिंग जरूर करनी है। अगर आप लोग वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे या फिर अपने लोअर पोर्शन की ट्रेनिंग नहीं करेंगे जैसे कि आपकी लेग्स, तो आप लोगों का बैली फैट कभी भी नहीं जाएगा। तो यार प्लीज़, आप लोग एक तो कार्डियो की एक्सरसाइजेस करें और उसके बाद आप लोग इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं, और वेट ट्रेनिंग आप लोगों को जरूर परफॉर्म करनी है अगर आप लोग जल्दी से अपने बैली फैट को कम करना चाहते हैं। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कौन सा वर्कआउट आप लोगों को फॉलो करना चाहिए अपने बैली फैट को लूज़ करने के लिए। गाइस, बैली फैट को लूज़ करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज आप लोगों को परफॉर्म करनी है शोल्डर टैप्स। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, ये आपके कोर एरिया की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ आपका बैली फैट लूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत सारे लोग ना गलत तरीके से करते हैं, आज आपको सही तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये आपकी पोजीशन रहेगी कुछ इस तरीके से, पुशअप पोजीशन, देन उसके बाद आप लोगों को सीधे देखना है और ऐसे टैप करना है अपने शोल्डर के ऊपर, और देखना गाइस आपके पेट के ऊपर बाद में जलन महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इसके आपको लेने हैं कम से कम 25 से 30 रेपिटेशन बिल्कुल स्लोली फॉर्म के अंदर, और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप लोगों को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। 3 से 4 सेट आप लोग इस एक्सरसाइज के ले सकते हैं अपने बैली फैट को लूज़ करने के लिए। अब करने वाले अपनी सेकेंड एक्सरसाइज सेम आपकी यही रहेगी। इसके अंदर आपको प्लैंक पोजिशन बनानी होती है इस तरीके से, और ऐसे परफॉर्म करना है 1 2 1 2 इस तरीके से आप लोगों को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज गाइस, आपका बैली फैट भी लूज़ करेगी, आपके हिप फैट को भी लूज़ करेगी, और साथ ही साथ आपके कोर एरिया की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, सिक्स पैक एब्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। कम से कम 40 से 50 सेकंड तक इस एक्सरसाइज को आप लोगों को परफॉर्म करना है, 3 से 4 सेट लेने हैं। गाइस, तीसरी एक्सरसाइज आप लोगों को परफॉर्म करनी है कुछ इस तरीके से, ये देख लो, सिंपल सा तरीका है फ्लटर किक्स। इसके अंदर आपकी ये पोजीशन रहेगी और ऐसे परफॉर्म करना है इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स, और ऐसे आपको परफॉर्म करते रहना है कम से कम 1 मिनट तक। ऐसे ही परफॉर्म करें, आपका जो लोअर बैली फैट होता है वो इससे कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें लोअर बैली फैट की ही रहती है, तो वो इसी एक्सरसाइज को करने से हमारा कम होगा। फोर्थ एक्सरसाइज आप लोगों को परफॉर्म करनी है कुछ इस तरीके से, सिंपल सा तरीका, नीचे लेट जाएँ, ऐसे करें लेग राइजेस कुछ इस तरीके से, बिल्कुल स्लोली फॉर्म के अंदर, और इसके अंदर आपकी जो रेपिटेशन रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। जितनी भी रेपिटेशन रेंज आप लोग इसके अंदर परफॉर्म कर सके गाइज, उतनी करना, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 3 से 4 सेट लेने हैं। अब करने वाले अपनी फिफ्थ लास्ट एक्सरसाइज जो कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, वी अप, जो कि आपके ओवरऑल बैली फैट को लूज़ करने में हेल्प करेगी। तो ये देख लो गाइज, कुछ इस तरीके से करना है, ऐसे आपकी पोजिशन होनी चाहिए और ऐसे 1 2 1 2 1 2
इस तरीके से आप लोग अपनी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आपके बैली फैट को लूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है घर पे। तो गाइस ये थी वो पांच ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि आप लोगों का बैली फैट लूज़ करने में और आपका वेट लॉस करने में घर पे ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप लोगों को जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, इस वर्कआउट को आप लोग कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते और जो भी टिप्स मैंने आप लोगों को बताई है उसको फॉलो करके आप लोग जल्दी से अपना बैली फैट लूज़ कर सकते। तो गाइस यही थी आज की मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी तरह आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आप लोगों की नॉलेज बढ़ाएगी और आप लोगों का वेट लॉस करने में, बैली फैट लॉस करने में और साथ ही साथ आपकी बॉडी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चले गाइस मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय। We'll be right back.